बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज पीथियम डिबेरिनम, तो विच किंगडम फिंजाई, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन मास्टिको माइकोटा, क्लास ओ माइसीट्स। द जीनस पीथियम टू कास्ट टू रॉट इज रिप्रेजेंटेड बाई 92 species. Several species of Pythium grow as saprophytes in soil, in water, on decaying matter, but some like facultative parasite causing rot, root tips, fruit rot, watery fruits, and damping off of both pre-emergent and post-emergent seedling of numerous angiospermic plants. वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पीथियम, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो है, अगर आप गौर करें डायग्राम पर, तो माइसीलियम आपको जो कि हाइफी की सूरत में नज़र आ रहे हैं। तो हाइफी की बेसिकली क्या है कि ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइफी। जब इस हाइफी को हम इकट्ठा कर लेते हैं तो ये माइसीलियम बन जाता है, जिसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। बेसिकली द माइसीलियम ऑफ प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल हेलाइन सीनोसिटिक हाइफी। तो इसके अंदर जो है वो सीनोसिटिक हाइफी होते हैं, यानी इसके अंदर न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होते हैं, और सेप्टा सिर्फ जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो तब सेप्टा बनते हैं। अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन देखें तो इसकी दो किस्म की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हम आते हैं इसकी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसके आप देखें तो हाइफी है, तो ये हाइफी जो होता है इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है तो उसके अंदर आउटग्रोथ बन जाती है, जिसको हम टर्मिनल स्पोरेंजियम कहते हैं, जो कि ग्लोबोस टाइप स्ट्रक्चर या ओवल टाइप स्ट्रक्चर तैयार कर लेती है। तो इसके पास जितना भी कंटेंट्स इसके अंदर होता है तो उसके अंदर इसके ऊपर एक और वेजिकल डिवेलप हो जाती है। तो ये नीचे जो ग्लोबोस आपको नजर आ रही है, इसके साथ वो दूसरी डायग्राम जो आप देखें तो इसके अंदर पहले स्पोरेंजियम एम्प्टी हो गई है और सारा मटेरियल जो है वो वेजिकल के अंदर ट्रांसफर हो गया। तो इस तरीके का बेसिकली इसके अंदर जो जूओस्पोर्स बनते हैं, और जूओस्पोर्स जो होते हैं ये किडनी शेप स्ट्रक्चर के होंगे। तो ये डायग्राम जो है मुकम्मल जो है वो इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये आपको नीचे हाइफी नजर आ रहा है, जिसको सोमैटिक हाइफी रखा गया, यानी सोमा मीन बॉडी। तो इसी के अंदर जो पहले डायग्राम मैंने आपको बताई है तो उसके अंदर देखें स्पोरेंजियम, उसी तरीके से आपको स्पोरेंजियम नजर आएगा। यही स्पोरेंजियम आगे देखें तो इसके अंदर वेजिकल नजर आता है। तो वेजिकल के अंदर जो है वो जितने भी स्पोर पहले जो होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएट होंगे स्पोरेंजियम, तो फिर उसके अंदर जब जूओस्पोर्स बन जाएंगे तो वहां पर जो है इसके स्पोरेंजियम जो है वो डिवेलप करेंगे, यानी 8 से 20 के दरमियान जो है वो इसके जूओस्पोर्स बन जाएंगे। तो ये जूओस्पोर जो होते हैं वेजिकल बस्ट होने के बाद जो है जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो वेजिकल जो है वो बस्ट हो जाएगा और ये लैबलेट हो जाएंगे। तो ये किडनी शेप जो है स्पोरेंजियम, जिसको हम सेकेंडरी टाइप कहते हैं, तो इसके अंदर दो फ्लैजल इसके कनकेव साइड पर लगे रहते हैं। कुछ देर ये स्विम करते हैं और स्विम करने के बाद जूओस्पोर जो होते हैं वो रेस्ट में आ जाते हैं और इंसेस्ट हो जाते हैं, और इसके अंदर जर्म ट्यूब बनती है और इसके बाद ये माइसीलियम डेवलप कर जाते हैं, जिस तरह आप सोमैटिक हाइफी देखा उसी कंडीशन के अंदर। तो अगर हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ देखें तो इसकी ओगैमस टाइप जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसके अंदर ओगैमस मीन जो है इसके एंथ्रीडिया होंगे और ओगोनिया, यानी एंथ्रीडिया मेल पार्ट और ओगोनिया फीमेल। एग्जैक्ट तो हम एंथ्रीडिया और ओगोनिया को मेल और फीमेल पार्ट नहीं कह सकते, लेकिन जो है इसको प्लस और माइनस का निशान भी दे सकते हैं। तो ये अगर ये दोनों ही एक ही हाइफा के ऊपर डेवलप कर जाए तो इसको हम जो है होमोथैले कहेंगे।
एक यानी एफा के ऊपर वो गोनिया और एंथ्रीरिया, लेकिन अगर ये लादा लादा डेवलप करेंगे तो इसको हम नाम दे दें हेट्रोथैलिक कंडीशन। अगर हम देखें तो इसको मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज लाइक पीथियम डिबेरिनम, तो इसके अंदर हम जब ओगोनियम की बात करते हैं, ओगोनियम डिवेलप एज अ टर्मिनल आर इंटरकैलरी स्वेलिंग ऑफ दी हाइफी विच ग्रेजुअली बिकम्स स्फेरिकल इन शेप एंड कट्स ऑफ ट्रांसफर सेप्टा फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द माइसीलियम। इसी तरीके से दी एंथ्रीडियम डिवेल्प्स एज टर्मिनल क्लब शेप स्वेलिंग ऑफ हाइफल टिप एंड मैन मे ओरिजिनेट आइदर फ्रॉम ब्रांचेज ऑफ ओगोनियल स्टॉक्स आर फ्रॉम नेबरिंग जो है हाइफी। एंथ्रीडिया जो है वो इस वेरी मच स्मॉल इन साइज दैन दी ओगोनियम। अभी मैंने फर्स्ट बार बात की थी ओगोनियम इसी ओगैमस टाइप कहते हैं जिसके अंदर एंथ्रीडिया साइज के अंदर छोटा होगा, ओगोनियम ज्यादा होगा। दी एंथ्रीडियम इज वेरी मच स्मॉल इन साइज दैन दी ओगोनियम एंड नंबर ऑफ एंथ्रीडिया कम इन कंटेक्ट विद ओगोनियल वॉल। The young ogonium is multinucleated and globose. Eventually, its protoplast is differentiated into central oosphere surrounded by periplasm. Both the regions are multinucleate. The number of nuclei in the ogonium gradually reduce with age. तो इसके अंदर आप देखेंगे जो 32 जो है वो meiosis के नतीजे में nuclei थे उसके अंदर सारे nuclei जो है वो डिस इंटीग्रेट हो जाएंगे और सिर्फ एक न्यूक्लियस रह जाएगा। और इसी तरीके से यंग एंथ्रीडियम इज आल्सो मल्टी न्यूक्लियर जिस तरीके का से ओगोनियम था एंड विद मेच्योरिटी एक्सेप्ट वन डीजनरेट द सर्वाइविंग वन अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म फोर हेप्लॉयड न्यूक्लियर। तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में होगा कि जब फर्टिलाइजेशन होगी तो ओगोनियम जिसके अंदर जो है वो एक एग था इसी के साथ जो है वो एंथ्रीडिया था जिसके अंदर जो है वो आफ्टर मियोसिस डिवीजन फोर न्यूक्लियस जो है वो बने थे, तो एक न्यूक्लियस उस तरफ से और एक न्यूक्लियस जो है वो गोनियम की तरफ से आपस के अंदर फर्टिलाइज करेगा, तो इसके नतीजे से फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइज्ड एग जो है जो कि पहले हम ओस्फेयर कह रहे थे वो जब उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएंगी थिक वॉल्ड हो जाएगा जिसको हम स्मूथ ओस्पोर या जाइगोट कहेंगे। तो दी ओस्पोर जर्मिनेट आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जर्मिनेशन ऑफ ओस्पोर, तो इस ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर 28 है तो ये जर्म ट्यूब की जो है वो डिवेलप कर देगा, लेकिन अगर टेम्परेचर 10 से 17 तक है तो इसकी जर्म ट्यूब इलोंगेट हो जाएगी तकरीबन जो है वो 5 to 20 माइक्रोमीटर। Then swells up and tip and form a vesicle in which zoospore develops. Zoospore जो है वो कुछ देर के लिए वो स्विम करेंगे, उसके बाद जो है वो इंसिस्टेड हो जाएंगे और इस तरीकेकार से वो उनके अंदर जर्म ट्यूब बनेगी और ये लाइका मदर माइसिलियम की तरह डिवेल्प माइसिलियम डिवेल्प हो जाएगा, इस तरीकेकार से ये अपना लाइफ साइकिल भी मुकम्मल कर देगा। थैंक यू।